हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल पर। थोनू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज गल करांगे देश विदेश दीयां अहम वड्डियां खबरां दी। दोस्तों शुरू करदे हां अज दी पहली चोणवी खबर तो। दोस्तों अज दी पहली चोणवी खबर, कैप्टन वालों किसानां खिलाफ दर्ज केस वापस लैण दा ऐलान कीती। खास अपील, पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार नूं किसानां नूं खास अपील कीती है कि खेतीबाड़ी बिल के विरुद्ध च किए जा रहे रोस प्रदर्शनों च ट्रैफिक जाम ना किया जाए और ना ही धारा 144 की उलंघना की जाए। दोस्तों वाद्या अगली वड्डी खबर वल। पंजाब च बुधवार को कोरोना के 2717 नवे मामले आए सामने, 78 लोगों की हुई मौत। दोस्तों पंजाब च कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन वधदा ही जा रहा है। बुधवार को भी पंजाब च कोरोना के 2717 नवे मामले सामने आए, इस दे नाल ही दोस्तों 78 लोगों की मौत हुई। वधदे हां दोस्तों अगली वड्डी खबर वल। कोरोना आफत दौरान आशा वर्करां लई पंजाब सरकार दा वड्डा ऐलान। दोस्तों सेहत अते परिवार भलाई मंत्री बलवीर सिंह संधू वल्लों अज COVID-19 नाल संबंधित कारजां लई मानता प्राप्त आशा वर्करां नूं 1500 रुपए का वाधू माण भत्ता देण दा ऐलान कीता गया है। तो अज की अगली वड्डी खबर, खेती आर्डीनेंस ते जाखड़ दी केंद्र नूं चेतावनी। दोस्तों अज की अगली वड्डी खबर, बीबी हरसिमरत बादल दे सकते हैं केंद्रीय वजीरां तों अस्तीफा। तो जिवें कि तुहानूं पता ही है, खेती बिलां नूं लैके जिथे पूरे देश की सियासत भखी हुई है, उत्थे पंजाब च अकाली दल दे अंदर भी सब सुख शांत नहीं जाप रहा। खबरां आ रही हैं कि पार्टी दे बहुगिनती नेता जो खेती बिलों के खिलाफ हैं, उन्होंने सुखबीर सिंह बादल सामने भी इन बिलों का विरोध किया, अपील की कि सानू किसानों के नाल खड़ना चाहिए है। दोस्तों अज की अगली वड्डी खबर, दोस्तों अज की अगली वड्डी खबर राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ तो पंजाब हरियाणा लई बसा चलनिया शुरू। दोस्तों तुहानू दस दी कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट दीयां बसां एक बार फिर तो बुधवार को लंबे रूटां लई रवाना होणगियां। दोस्तों अथी तुहानू दस दिए कि कोरोना वायरस की लाग वधन के बावजूद भी CTU ने यह फैसला लिया। हालांकि अजे कोई भी बस हिमाचल प्रदेश अते उत्तराखंड रवाना नहीं होगी। उस तो अज की अगली वड्डी खबर है, सुरेश रैणा के रिश्तेदारां दे कतल मामले च पुलिस हाथ लगी सफलता, 3 दोषी गिरफ्तार। दोस्तों तुहानू दस दिए कि क्रिकेटर सुरेश रैणा के रिश्तेदारां दे कतल केस विच पुलिस ने 3 दोषियों नूं गिरफ्तार करन विच सफलता हासिल की है। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को दस्या सी कि यह केस हल करते हुए लुट खो करन वाले गैंग दे 3 मैंबरां नूं गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों वधदे हां अगली वड्डी खबर वल। दोस्तों राजसभा च पंजाबी भाषा के हक च बोले प्रताप बाजवा। राजसभा विच बुधवार को पंजाबी नूं जम्मू कश्मीर की अधिकारित भाषा बनाई जाने की मंग की गई। काल दौरान कांग्रेस के राजसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने भाषा का मुद्दा चुकया। वादे हां दोस्तों अगली वड्डी खबर वल। दोस्तों हजूरी रागी भाई हरनाम सिंह श्रीनगर वालियां दा होया देहांत। दोस्तों कौम के बहुत ही हरमन प्यारे गुरु के कीर्तनीए भाई हरनाम सिंह श्रीनगर वाले सदवीं विछोड़ा दे गए हैं। भाई हरनाम सिंह श्रीनगर वालियां दा जन्म 4 दसंबर 1962 नूं पंजाब दे बरनाला संगरूर विखे होया सी। दोस्तों वधदे हां अगली वड्डी खबर वल। दोस्तों अज दी अगली वड्डी खबर, खेती बिल ते पंजाब दी सियासत च उबाल। राजपाल नूं मिलन पुजे कैप्टन, अकाली दल ते वरे। केंद्र सरकार दे खेती आर्डीनेंस दे मामले च पंजाब दी सियासत इस वेले पूरी तरह गरमाई हुई है। मद्देनज़र पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजपाल नाल मुलाकात करन लई पहुंचे। दोस्तों वादे हां अगली वड्डी खबर। दोस्तों जलंधर जिले च कोरोना कारण हुई 10 लोगों की मौत, 198 नवे मामलों की पुष्टि। दोस्तों कोरोना वायरस का कहर लगातार वाधा जा रहा है। बुधवार को एक बार फिर तो जिले अंदर कोरोना के वड्डी गिनती च मामले आए सामने। तो जिले च अज 198 नवे कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, 10 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दोस्तों यह सी अज दियां ताज़ा खबरां। दोस्तों देश विदेश दियां अहम ते ताज़ा खबरां देखने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन ते क्लिक कर दो। दोस्तों मिलते हैं अगली बार नवी जानकारी दे नाल। आप सब जी का बहुत बहुत धन्यवाद।